वीडियो को पूरी देखना और सारी बातें ध्यान से सुनना। अब देखो, ये है लोहा यानी कि मेटल। ये बहुत ही ज्यादा मजबूत चीज होती है और साथ ही साथ अगर अपन इसे पिघलाने की कोशिश करें तो इसे पिघलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसे पिघलाने के लिए हमें लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम इस लोहे को यूं चुटकियों के अंदर पिघला देंगे। तो कहीं सर, आज की इस वीडियो के अंदर हमारे साथ एक खास मेहमान है, ओम भाई। तो ये हमारा स्टूडियो विजिट करने आए थे, तो आज का ये जो चैलेंज है मैं इन्हीं को दे देता हूँ। तो हैकर भाई, आपको जो है, इनका नाम भी हैकर ओम है तो इसीलिए मैं हैकर बोल रहा हूँ बार बार। तो हैकर भाई, आपको जो है इसे पिघलाना है और ये चैलेंज मैं आपको देता हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास इस लोहे को पिघलाने के कई सारे तरीके हैं। मैं चाहूँ तो लोहे को ऑक्सीजन और गैस का इस्तेमाल करके भी पिघला सकता हूँ, या फिर मैं सिंपली इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके भी लोहे को पिघला सकता हूँ, या फिर मैं सिंपली इस लोहे को इतने सारे केमिकल्स में से किसी भी केमिकल का इस्तेमाल करके भी पिघला सकता हूँ। लेकिन चैलेंज आपके लिए है कि आप इन तीनों तरीकों के अंदर से कौन से तरीके का यूज करके इस लोहे को पिघलाते हो। तो आप बताओ कि आप कौन से तरीके के साथ में जाना चाहेंगे। मैं तो इसे इलेक्ट्रिसिटी से मेल्ट कर दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, चलो देखते हैं फिर। तो भैया ये है एक हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो अब आपको मैं ये देता हूँ और अब आपकी जिम्मेदारी कि आप इसकी मदद से इस लोहे को पिघलाओ। अब मुझे आप बताओ कि आप ऐसा क्या करोगे कि इसकी मदद से हम इस भारी भरकम लोहे को भी पिघला दें। ये एक्चुअली में 2000 वोल्ट प्रोड्यूस करता है और ये वास्तव में बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसमें हाई करेंट जनरेट करने वाले हैं, यानी कि इसमें 2000 एम्पियर के आसपास इसे जनरेट करेंगे और फिर देंगे इस लोहे में और ये हो जाएगा मेल्ट। अच्छा एक बात बताता हूँ मैं आपको, देखो अपने जो घर में बिजली आती है वो होती है 220 वोल्ट, और इसके अंदर से अगर अपन ने छेड़छाड़ की तो भैया इसके अंदर से निकलती है कितने वोल्ट? 2000 वोल्ट। और अगर किसी ने इसको टच कर लिया तो फिर गया केल बाबा केल। तो मैं आपको क्लियरली वार्निंग दे दूं कि आप ऐसा कुछ भी कहीं पे भी ट्राई ना करें, प्लीज प्लीज प्लीज। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी क्लियरली वार्निंग लिखी हुई है, डेंजर। तो क्लियरली मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी घर पे ट्राई नहीं करना है। ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशन के लिए। तो अब अपन क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो इसको काटना पड़ेगा। ठीक है चलो काटते हैं। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये जो ट्रांसफार्मर है इसके अंदर दो कॉइल्स है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। एक को हमें निकालना होगा, कौन से वाले निकालेंगे? सेकेंडरी को निकाल देंगे और प्राइमरी को इसमें ही रखेंगे, इसीलिए हमने इसे काटा। अब इस साइड से और काटेंगे। तो ये देखो, ये निकल गया एक पार्ट, ये रही इसके अंदर प्राइमरी और ये रही सेकेंडरी कॉइल। तो ये ठीक वैसा ही है जैसा कि अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया था ना पहले, ठीक वैसा ही है। अच्छा अब अपन क्या करने वाले हैं? अभी तो प्राइमरी को निकाल देंगे और फिर सेकेंडरी को काट के निकाल देंगे। अच्छा ठीक है, ऐसे हम दो ट्रांसफार्मर लेंगे, एक और लेंगे अपन ताकि खतरनाक पावर और खतरनाक तरीके से पिघलाए। ठीक है, तो इसके अंदर से पहले अपन इस वाली कॉइल को निकाल देते हैं फिर इसको बैठा देंगे। तो गाइस यार यही है वो जादुई चीज जिससे अपन जो है लोहे को भी पिघला सकते हैं। तो ये है प्राइमरी कॉइल और ये वाली जो सेकेंडरी कॉइल है ना, इसको हम तोड़ तोड़ा के फेंक देंगे, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। इसमें से अब प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों ही निकल चुका है और फिर से हम लोग प्राइमरी कॉइल इसके अंदर लगाने वाले हैं। तो गाइज यार एक ट्रांसफार्मर तो हमें मिल गया है, ऐसे ही हमें एक और की जरूरत पड़ेगी। तो अब हमारे पास दो हैं और अब इसके साथ साथ हमें एक मोटे मोटे गेज के वायर की भी जरूरत पड़ेगी। ये लो ओम भाई। तो गाइज यार ये जो डिवाइस अपन बना रहे हैं ये काफी ज्यादा पावरफुल है, तो छोटे मोटे वायर से काम नहीं चलेगा, इसीलिए अपन इतने मोटे गेज के वायर का इस्तेमाल करेंगे। तो गाइज यार यहाँ पे जो फंडा है वो भी काफी सिंपल सा है, आपने स्कूलों के अंदर किताबों के अंदर ये चीज पढ़ी होगी कि दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं, कौन कौन से? स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो अपन ने यहाँ पर क्या किया, उसी के साथ में थोड़ा सा खेल किया है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर थे इसके अंदर दो कॉइल थी, एक को अपन ने निकाल दिया और एक अपन ने डाल दी है, और अब इसके अंदर अपन दूसरी कॉइल बनाएंगे और उसके अंदर जो घेरों की संख्या होगी उसे अपन
कम कर देंगे और कम करने से क्या होगा, जिससे एम्पियर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और वोल्टेज कम हो जाएगा। कम है, ठीक है, आपको करके दिखाते हैं। तो इस बार अपन इसके अंदर जो घेरों की संख्या होगी उसे कितना रख रहे हैं, चार, सिर्फ चार घेरे। पहले कितने थे जो कोयल अपन ने निकाली उसके अंदर, वो तो 1-2 हजार से भी ज्यादा था। अब आप समझ सकते हैं कि ऊपर जो सेकेंडरी कोयल थी उसके अंदर घेरों की संख्या जो है वो 1-2 हजार, ये ओम भाई बता रहे कि 3-4 हजार तक थी, उसे अपन घटा के सिर्फ चार घेरे बना रहे, यानी कि जो दूसरी कोयल है उसके अंदर सिर्फ चार घेरे होंगे। ठीक है, तो चलो घेरे बनाते हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो इसे काट दिया जाए। अच्छा, काटना पड़ेगा। चमन भाई ले अपना हथियार, इतने मोटे वायर को प्लायर से काट देते हैं हमारे यहाँ पे। 1-2-3 उसे भी काट दे। अब इसे रख देते हैं इसके ऊपर, ये वाला जो दूसरा वाला ट्रांसफॉर्मर है ये इसके ऊपर इस तरीके से जाएगा। अच्छा, इधर घूम के ऐसे इसे हम लोग इपॉक्सी ग्लू लगा करके भी चिपका सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा टाइम कम है इसीलिए अपन क्लैंप से काम चला लेंगे। क्लैंप से इसे जोड़ देते हैं ताकि ये दोनों ट्रांसफार्मर हिले ना। तो गाइस यार, ये तैयार हो गई हमारी मशीन जो कि लोहे को भी पिघला सकती है। पकड़ो, इसमें हमें देना होगा 220 वोल्ट और इधर से निकलेगा मात्र 4-5 वोल्ट और बहुत ज्यादा एम्पियर जो मेल्ट कर देगा आयरन को। ठीक है, तो एक साइड से अपने को देनी होगी बिजली और दूसरी साइड से जो आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा कम वोल्टेज और हाई एम्पियर के साथ में। तो चलो इस डिवाइस का टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो ओम भाई अपने इस चैलेंज में पास होते हैं या फिर नहीं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में इन्होंने काफी ज्यादा हेल्प की है, काफी ज्यादा नॉलेज भी मुझे भी बताया। ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब हमारा यह डिवाइस पूरी तरह से तैयार हो चुका है, चलिए अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और फिर देखते हैं इसका कमाल। भैया इसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे ना तो अपन सीधा ही ये जो अपने नॉर्मल प्लग है ना उसमें नहीं जोड़ सकते, अगर उसमें जोड़ा और ऑन किया तो अपनी ये जो सारी वायरिंग है ये जल के भुन हो जाएगी, कोयला हो जाएगी, सारे जो इक्विपमेंट्स है वो उड़ जाएंगे। इसीलिए अपन क्या करेंगे, ये मोटा वाला वायर लेंगे और इस मोटे वाले वायर की मदद से सीधा ही जो अपनी मेन लाइन है वहाँ पर इसका जो कनेक्शन है उसे देंगे और जो दूसरा सिरा है उसे सीधा ही जोड़ देंगे अपने डिवाइस के अंदर। एक साइड वाला चला गया मेन लाइन के पास में और जो दूसरा हिस्सा है उसे सीधा ही इस डिवाइस को करंट देंगे। जो करंट होगा अगर एक अपन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हम यहाँ पे दो कर रहे हैं तो दो के अंदर जो कनेक्शन होगा वो किस में होगा, सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में होगा। पैरेलल में होगा तो अपन क्या कर रहे हैं इसका जो कनेक्शन है वो पैरेलल में कर देते हैं। सीधा ही अपन जो बिजली है वो मेन सप्लाई से देंगे, मेन सप्लाई से नहीं देंगे तो अपना जो पूरा सिस्टम है वो उड़ सकता है, तो बाकी सारी स्विचेस को ऑफ कर देंगे और सीधा ही मेन लाइन में इसे जोड़ देंगे। आ जाओ भाई सेफ्टी के साथ में। गाइस डिवाइस बनके तैयार हो गया है, अब बारी है इसकी टेस्टिंग की। तो सबसे पहले इसकी मदद से इस लोहे की कील को मेल्ट करके देखते हैं कि ये मेल्ट होती है या फिर नहीं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि आगे की साइड हमने कॉपर के जो कनेक्शन है वो कर दिए हैं और ये लोहे का है। कॉपर ज़्यादा कंडक्टिव होता है और ये एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अपन क्या करते हैं इस दोनों को इस तरीके से इसके अंदर फंसा देते हैं और फिर इसे पावर देखते हैं और देखते हैं कि हमारी ये जो कील है इससे मेल्ट होती है या फिर नहीं। ऑलराइट गाइस थोड़ा पीछे हो जाते हैं। ऑलराइट गाइस अब वक्त है इस बैड बॉय को पावर देने की। ऑलराइट 1-2-3 पावर दो। गाइस आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से मेल्ट हो रही है। ओ गाइस बंद कर दो। गाइस आपने देखा, देखो आपने देखा किस तरीके से इसने कील को मेल्ट कर दिया और ये अभी भी रेड हॉट है और कील को इसने दो टुकड़े कर दिए। अब यहाँ पे हो ये रहा है, आप बताओ। यहाँ पर लोहे में हाई रेजिस्टेंट हो जा रहा है जिसके चलते ये बहुत ज्यादा गर्म हो जा रहा है और गर्म होने की वजह से मेल्ट कर जा रहा है। अगर सीधी भाषा में कहें तो वोल्टेज कम है, एम्पियर बहुत ज्यादा है। यहाँ पर वोल्टेज इतना कम है कि इवन आप इसे यहाँ से हाथों से टच भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम एक वोल्टमीटर लाते हैं यानी कि मल्टीमीटर और उससे आपको इसका वोल्टेज चेक करके बताते हैं कि इसका वोल्टेज कितना है और इसके अंदर वोल्टेज भले ही कम हो लेकिन जो एम्प्स है वो बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि आपने देखा कि उसने कील को भी पिघला दिया। गाइस आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ 2 वोल्ट से 2.8 वोल्ट, यानी कि वो जो छोटे सेल आते हैं अपने रिमोट के अंदर डलते हैं सिर्फ उतना वोल्टेज है, लेकिन जो एम्पियर है वो छप्पर फाड़ के है। अब क्या करते हैं, कील से थोड़ा बड़ा लोहा लेते हैं और उसे मेल्ट कराने की कोशिश करते हैं। अब ट्राई करते हैं इसको, अब देखते हैं कि इसके मदद से अपन इसे पिघला पाते हैं या फिर नहीं। चलो ऑन करते हैं।
तीर बोलने से पहले चालू कर दिया उनने भाई साहब देख सकते धुआं निकलने लग गया लाल हो रहा है भाई साहब वो तीर ये क्या इसका वो पेंट जल रहा है भाई साहब देख सकते हैं कि रेड हॉट मैग्नीशियम है ये लगता है भाई साहब देख सकते हैं कि किस तरीके से लोहा मेल्ट हो रहा है यहाँ पे मेल्ट हो गया भाई साहब देख सकते हैं कनेक्शन टूटते ही अलग बंद कर दो तो गाइस देखा आपने किस तरीके से हमने सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए लोहे को भी पिघला दिया है। आप देख सकते हैं कि ये जो नटबन ये था अपना जो भी है पाना वाना ये मेल्ट होके दो टुकड़ों में हो गया है और इतनी खतरनाक तरीके से मेल्ट हुआ है कि ये मुड़ भी गया है। दिस इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड टू क्रेजी माइंड टू क्रेजी पीपल दे कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग एनी टाइम। कुछ और ट्राई करते हैं। सेकेंडरी कॉइल पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है ये देखो। वायर चेंज करते हैं। चलाओ हटा हटा लो हटा लो। ताला मेल्ट हो रहा है ताला मेल्ट हो रहा है ताला मेल्ट हो रहा है भाई साहब। कोई सब देख सकते हैं ताला मेल्ट हो गया है और उसकी जो प्लास्टिक थी उसमें आग लग गई। बुझा दो। तो गाइस देखा आपने किस तरीके से अपन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से लोहे को भी पिघला सकते हैं। तो ये थी काफी सिंपल सी साइंस, आपको ट्राई नहीं करना है। जो बुक्स के अंदर लिखा हुआ होता है बेसिकली हम बस उसे प्रैक्टिकली करके आपको दिखाते हैं। और ये चैलेंज मैंने दिया था ओम भाई को और ओम भाई ने इसे बखूबी निभाया है। तो ओम भाई आप कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जरूर से और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो यार। मैं तो बोल बोल के थक गया, ये करते नहीं है। आप भी बोल दो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चले फिर चलो।